सलमान ने, अरबाज ने, सब कहने लगा डल्ला 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 डल्ला। उसने लगा अरे मेरा दोस्त आ गया भाई, मेरा बर्दरी का दोस्त आ गया, बोले कुर्सी खींची, बोले कि नहीं नहीं बैठ बैठ, अरे मैंने की नहीं बैठिया हूँ, अरे नहीं मैं, बोले वो मत सोचना कि मैं ऐसा हूँ और वो हूँ, मैं पहले वाला ही हूँ सलमान, ऐसा नहीं। सलमान बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो किसी की नजर में बैड बॉय तो किसी की नजर में सोने के दिल वाले सल्लू भाईजान हैं। रियल लाइफ में उनकी इमेज एक ऐसे शख्स की भी रही है जो अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलते, खास तौर पर जब दोस्त मुसीबत में हों। यूं तो फिल्मी दुनिया में सलमान खान के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आज हम आपको उनके एक ऐसे दोस्त का पता बताएंगे जो माया नगरी मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता है। और खेतों में मजदूरी का काम करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सलमान का ये दोस्त आज भी उनके दिल में बसता है। मुंबई से करीब 600 किलोमीटर दूर जंगल और देहात का ये वो इलाका है जिससे सुपरस्टार सलमान खान की दोस्ती का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जसीम खान और इस वक्त मैं इंदौर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर बरदरी नाम के गांव के इस इलाके में मौजूद हूं। दरअसल ये वो गांव है जहां सलमान के बचपन का दोस्त डल्ला रहता है। डल्ला खेतों में मजदूरी करता है और ये वही खेत है जहां मैं खड़ा हूं, जहां डल्ला और सलमान की दोस्ती परवान चढ़ी थी। तो चलिए आपको सलमान की दोस्ती की वो कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी बताता हूँ जिसे आप कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी कह सकते हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ सलमान के दोस्त डल्ला से। ये हैं, इनसे मिलिए। ये हैं सलमान के दोस्त डल्ला, यानी डालचंद जी। डल्ला जी, आपकी सलमान से दोस्ती जो हुई थी वो कब हुई थी और कैसे आप सलमान के दोस्त बने? बचपन में आते थे वो उसका नाम क्या, यहाँ पे गाँव पे 2 महीने की छुट्टी में आते थे, तो 3 बहन भाई आते थे, तो बोले फिर आते थे तो मेरे से मिलते थे, बोले डल्ला अपन को चलना है इधर जंगल में घूमने चलना है, मस्ती करते जंगल में, करौंदे खजूरे खाना, जंगल में मस्ती करना, नहाना कुएं में, बहुत अच्छे से रहते थे हमारे साथ, इधर इधर उधर सब दूर, इधर भी रहते थे इधर भी रहते थे, जंगल में बहुत अच्छे से घूमते थे वो। जब से दोस्ती बहुत गहरी हो गई, बचपन से बहुत अच्छा मेरे को चाहते हैं वो। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के करीब बरदरी नाम का ये गांव है। इसी गांव के पास सलमान खान के चाचा का फार्म हाउस भी है और डल्ला भी इसी गांव में पला बढ़ा है। डल्ला एक बेहद गरीब परिवार से आता है और आज भी यहां के खेतों में मजदूरी का काम करता है। सलमान खान और डल्ला की दोस्ती उन दिनों की है जब स्कूल की छुट्टियों में सलमान अपने पैतृक शहर इंदौर आया करते थे। बचपन में सलमान की छुट्टियों के कुछ दिन इस बरदरी गांव में भी गुजरते थे और यहीं उनकी पहली बार डल्ला से मुलाकात हुई थी। बचपन के उन दिनों में सलमान अपने भाई अरबाज और सुहेल के अलावा अपने चचेरे भाइयों मुबीन और मतीन खान के साथ खेतों में खूब मौज मस्ती किया करते थे और तब इस पूरी चिल्लर गैंग के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था डल्ला। दिलचस्प बात तो यह है कि सलमान खान ने ही अपने इस दोस्त का नाम डल्ला रखा था। बचपन में आते रहते थे तो बोलते थे, बोले चलो अपन खेत में चले, खेत में चलते आते थे तो खेत में हल बक्कर घेरते, ट्रैक्टर चला के फिर खेत में घर पे जाते, चाय पानी पी के फिर आ जाते थे और फिर आके दोपहर में जाके फिर नहाते थे कुएं पे और वहाँ से आके थोड़ी देर आराम करके फिर खेत में आ जाते थे, फिर गाय ढोर चराने निकल जाते थे इधर जंगल में, तो जंगल में रहते कुछ देर और फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर घर पर गाय मवेशी बांध देते थे और फिर आके इसका क्या दूध दूध निकालना,
फिर चाय पानी पीना। डल्ला के जहन में आज भी बचपन में सलमान के साथ गुजारे दिनों की यादें ताजा हैं। वहीं माया नगरी मुंबई की चमक दमक के बीच सलमान भी अपने इस दोस्त को भूले नहीं हैं। वो आज भी डल्ला को याद करते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि सलमान खान के करीबी लोगों का ऐसा कहना है। उसकी सबसे अहम चीज की उसकी याददाश्त बहुत तगड़ी है। एक हमारे साथ बच्चा खेला करता था गांव में डल्ला, वो पत्थर बहुत लंबा फेंकता था नदी में, तो वो आज तक उसे याद करता है सलमान की, वो डल्ला कैसा है और पूना जी कैसे हैं। तो ये उसकी अच्छाइयां हैं जो इतनी पुरानी चीजों को आज तक याद रखता है। लेकिन यहाँ आपके जहन में एक सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर सलमान खान ने अपने इस दोस्त का नाम डल्ला क्यों रखा था, तो इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। दरअसल बचपन से ही डल्ला एक तेज निशानेबाज रहा है। उसका निशाना इतना सटीक और सधा हुआ होता था कि वो हाथ से पत्थर फेंककर उड़ती हुई चिड़िया को भी मार गिराता था। निशानेबाजी के अलावा डल्ला की काबिलियत ये भी थी कि वो नदी के पानी में दूर तक पत्थर फेंकने की ताकत रखता था। दरअसल यहाँ की स्थानीय जबान में पत्थर के टुकड़े को डल्ला कहा जाता है, और यही वजह थी कि सलमान ने अपने बचपन के इस दोस्त की पत्थर फेंकने की इसी खूबी की वजह से उसका नाम डल्ला रख दिया था। सलमान ने अरबाज ने सब कहने लगा डल्ला 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 डल्ला, फिर कहना पत्थर मार किसका जाता दूर बोले, तो फिर मैं फेंकता कोई चीज उड़ी तो बोलेगा अच्छा इसमें मार इसको गिरा देता तो नीचे फट से जाती चीज। बहुत निशाना तेज था, इतना तेज था कि आसपास क्षेत्र में कोई भी नहीं। सलमान खान अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए अक्सर इंदौर आते रहते हैं, और जब कभी वो यहाँ अपने रिश्तेदारों के फॉर्म हाउस पर आते हैं तो अपने बचपन के दोस्त डल्ला से मिलना कभी नहीं भूलते हैं। फिल्म दबंग 3 की शूटिंग के लिए भी जब सलमान इंदौर के पास महेश्वर आए थे तब भी वो डल्ला को नहीं भूले थे। फिल्म के सेट पर ही न सिर्फ सलमान ने अपने बचपन के इस दोस्त के साथ लंबा वक्त गुजारा बल्कि डल्ला की खातिरदारी में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आप खुद डल्ला की जबानी ही सल्लू भाई के याराने की ये कहानी भी सुन लीजिए। थोड़ा दूर था मैं वो झाड़ इतने दूर, जब तक तो नहीं पहचान, थोड़ी बीच में गया नफट पहचान लिया। पहचानने के बाद मैं हंसने लगा, रहा मेरा दोस्त आ गया भाई, मेरा बर्दरी का दोस्त आ गया। बोले अरे क्या यार, बोले देखो कितनी दूर से बाइक से आ गया आए। तो फिर उठे अरे मेरा दोस्त आ गया आ, बोले फिर हाथ मिलाया, उनने हाथ मिला के फिर एक कुर्सी खींची, बोले कि नहीं नहीं बैठ बैठ, अरे मैंने कि नहीं बैठ जाऊँ, अरे नहीं मैं, बोले वो मत सोचना कि मैं ऐसा हूँ और वो हूँ, मैं पहले वाला ही हूँ सलमान, ऐसा नहीं। वो कुर्सी पे मेरे उनके पड़ोस में बिठा ला, बोले नहीं बैठ, बोले फिर बैठा मैं। अच्छे से मिला, बहुत अच्छे से चाय आय पिलाई, खाने का 4-5 चक्कर पूछा उसने कि खाना, भाई खाना तो खाना पड़ेगा, मैंने खाना खा के आया हूँ। चाहते ही सबको, गरीब को भी बहुत अच्छा चाहता है सबको, और ऐसा भी नहीं कि वो समाज वो बना दिए, पर हिंदू को भी बहुत अच्छे से चाहता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं, गणपति है माता जी है सब में बहुत अच्छे से चाहता है वो, बहुत अच्छा बढ़िया एकदम। जिस तरह सुपरस्टार सलमान खान के दोस्त डल्ला का निशाना कभी नहीं छूटता है, ठीक उसी तरह ऐसा कहते हैं कि सलमान खान भी अपने दोस्तों की मदद करने से कभी नहीं छूटते हैं। सलमान खान की ऐसी ही कई सच्ची कहानियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सलमान की सच्ची कहानियां आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें। नमस्कार।